पानी जाएगा तो वो ये अपने अपने इंतज़ाम करते हैं, कहीं बोरिंग कहीं पानी नहीं है तो फसलें नष्ट हो जाती। पानी की कोई रोड़े लगा देते हैं, ओड़े लगा के पानी रोक देते हैं, लोग बाग आगे पानी नहीं पहुंच पाता। अभी क्या हालात है नहरों के? नहरों के हालात ये है कि बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है, ये सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं आएगा तो फसलें अनाज पैदा नहीं होगा। अधिकारी तो आते ही नहीं है, आते हैं तो वो तो गाड़ी से नहीं उतरते हैं ऊपर से, वो खाली यूँ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके चले जाते हैं। भाई नहर तो जगह जगह खराब हो रही, टूट रही जो पानी से उठता अवसर तो पड़ेगी, अब तो दिख रही जो पानी तो छारी चल लूगा अब, पर टूट रही जी जगह जगह उम्र से सामने खराब हो रही, ब्रिज है पूरी गारो भरी हो मलबो भरी हो डोले टूट रही पड़ी तो पानी ना ना पाता वो सही। हाँ पूरा पानी ना हो फूट जो उपक जा आगे फिर जगह जगह उपक जाओ खेतम। कहना चाहूँगा कि अभी जो नहरों की जो हालत है जर्जर, इतनी हालत खराब है और पानी छोड़ा जा रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि टेल पे कैसे पहुँचेगा, केवल नरेगा की लेवर लगा रखी है, नरेगा की लेवर से अगर टेल पे पानी कैसे, ना तो मशीनें लगी है जगह जगह टूट रही है, और जो इन्होंने दो दो साल पहले जो दीवारें बनाई वो आज टूट के रोड पे आ गई, पूरे टूट के नहर में गिर गई। तो जो जल्दबाजी तो क्या किसानों को ज़रूरत भी है पानी की, और 1274 करोड़ रुपये आए थे पहले अशोक गहलोत के टाइम पर, तो इन्होंने काम भी बढ़िया तेज गति से चलाया, पर इनकी इच्छा नहीं थी बीजेपी वालों की, जो न काम बंद कर दिया। अगर आज वो पक्की बन जाती तो हेड से टेल तक पानी जाता है। ये मॉनिटरिंग रहेगी और जगह जगह मशीनें चलानी पड़ेगी, जो टूटेगी तो ओवरफ्लो होते ही, क्योंकि नहरों की तो दशा ही हो गई जो क्या बताएं आपको, रोना आता है नहरों की दशा को देख के। तो नहर में हमने आज 10:15 बजे जो है BBC जो है बोधी ब्रांच कैनाल जो है उसमें 100 क्यूसेक पानी छोड़ा है, और इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बढ़ाएंगे ताकि हमारी जो पहले ये है कि ज़्यादातर नहर जो अपनी कच्ची है तो ये जो अर्दन स्टेट है ये सबमर्ज हो जाए, पानी से सेचुरेटेड हो जाए, उसके बाद फिर इसको जो है हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 26 तारीख तक ये जो हमारा पानी है खटखड़ जो मेरा टेल एरिया है जहाँ फ़िलहाल डिमांड है वहाँ तक पहुँचे। 26 तारीख के बाद मतलब लगभग 26 तारीख को इसका हम वितरण डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। साथ ही जो बीच में पड़ने वाले सिस्टम है जहाँ जहाँ भी, क्योंकि ज़्यादातर जलोद जो है तालेड़ा वाले जैसे क्षेत्र है मेरे, उसमें क्या है कि चावल की खेती ज़्यादा है तो टेल एंड्स पे जहाँ जरूरत है तो आंशिक रूप से उनको भी हम सप्लाई करेंगे 26 तारीख के बाद से। नहीं नहरें टूटी हुई हैं ऐसा नहीं है, अर्दन केनाल में क्या होता है कि जो मिट्टी की जो केनाल बनी हुई है उसमें कटाव होता है, तो जहाँ कोई ऐसा सीवियरनेस है जहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको हम टेकअप कर रहे हैं, अदरवाइज नहर टूटने जैसी स्थिति नहीं है। वो क्या है कि अर्दन है इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लगता है। साफ़ सफाई लगभग 60-70% हो चुकी है, 30% उस एरिया में बची हुई है जहाँ हमारा पानी नेक्स्ट मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद शुरू होगा, दीपावली के बाद शुरू होगा, तो उसकी सफाई जारी है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हर क्षेत्र में हमने 2-2 JCBs जो है अलग से लगा रखी हैं और पानी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत आती है